इंसानी सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक हर क्षेत्र में इंसान ने हजारों मशीनें बनाई, लेकिन खेती के काम में एक मशीन ऐसी है जिसे आज तक कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर पाई है। हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर की, जो अकेले ही खेती के कामों के लिए किसी सेना से कम नहीं है। चाहे हल से जुताई हो या फिर फसलों को इधर से उधर ले जाना हो, ट्रैक्टर को किसी भी काम में आलस नहीं आता। आजकल तो ट्रैक्टर भी इतने हाईटेक और मॉडर्न हो गए हैं कि आप घर बैठे भी अपने ट्रैक्टर का हर हाल जान सकते हैं। लेकिन मॉडर्न ट्रैक्टर का अपना भी एक इतिहास है, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के पहले ट्रैक्टर की कहानी, और ये भी कि इस आदम मशीन को बनाते वक्त इंजीनियर ने किस तरह से अपनी सोच को अंजाम दिया। पुराने समय में जानवरों की मदद से कृषि क्षेत्र यानी किसानी के काम किए जाते थे। भारत में बैल, भैंस और विदेशों में घोड़े और खच्चरों से काम लिया जाता था, जिसमें काफी ज्यादा मेहनत और वक्त लगता था। लेकिन आज के दौर में ट्रैक्टर ने ये काम काफी ज्यादा आसान कर दिया है। इसकी मदद से समय भी बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है, साथ ही जानवरों का इस्तेमाल भी कम हो गया है। ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती करने में भी बहुत तरीकों से होता है, जैसे जमीन को जोत कर तैयार करना, बीज डालना, पौधा लगाना, फसल लगाना और फसल काटना। इसके अलावा भी लकड़ी चीरने और बाकी के कामों में भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहला ट्रैक्टर भारत में नहीं बना था। आपके दिमाग में ये सवाल अब आ रहा होगा कि आखिर पहला ट्रैक्टर किस देश में बना। आइए जानते हैं ट्रैक्टर की हिस्ट्री। सबसे पहले ये बात कि ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है। तो ट्रैक्टर शब्द लैटिन भाषा से आता है, जिसका मतलब होता है खींचना। जैसे पहले ट्रेनें कोयला और भाप से चलती थी, बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले ट्रैक्टर का निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया। उस समय इसे भाप इंजन की मदद से चलाया जाता था। आइए जानते हैं दुनिया के पहले ट्रैक्टर के बारे में। सबसे पहले पावर ड्रिवन फार्म इक्विपमेंट 19वीं शताब्दी की शुरुआत में आए थे, जिनमें पहियों पर एक भाप का इंजन हुआ करता था जो बेल्ट से जुड़ा होता था, और ऐसे ही एनर्जी कन्वर्ट करके फार्म इक्विपमेंट को चलाया जाता था। सबसे पहले भाप इंजन वाले ट्रैक्टर का आविष्कार 1812 में रिचर्ड ट्रेवेथिक ने किया था, जिसे बान इंजन के तौर पर जाना जाता था, और उस दौर में इसका इस्तेमाल मकई निकालने के लिए किया जाता था। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से आम किसान इसे खरीद नहीं सकते थे। फिर 1903 में दो अमेरिकी चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट और चार्ल्स एच पार ने दो सिलेंडर वाले फ्यूल से चलने वाले इंजन का इस्तेमाल करते हुए सक्सेसफुली पहला ट्रैक्टर बनाया, जिसका इस्तेमाल भी काफी हुआ। जिसके बाद 1916 से 1922 के बीच लगभग 100 से अधिक कंपनियां इसके काम और इस्तेमाल को देखकर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के प्रोडक्शन में लग गईं। जॉन डियर ट्रैक्टर का नाम आए और जॉन डियर का नाम ना आए, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जॉन डियर थे कौन, आइए जानते हैं। इंटरनेशनल कृषि बाजार में ट्रैक्टर ने तो अपनी धाक जमा ली थी, लेकिन अब बारी थी कि उसका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कृषि क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है। इसी सोच को रखते हुए सन 1837 में जॉन डियर ने दुनिया का जो पहला स्टील का हल बनाया था, जो आज हमें आसानी से देखने को मिल जाता है, उसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। जिसके बाद उन्होंने 1927 तक पहले ट्रैक्टर और स्टील के हल का कॉम्बिनेशन तैयार किया, और दुनिया को ये काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रोडक्शन बढ़ाने और खेतों की तीन लाइन में जोतने के लिए आराम से किया जा सकता था। लेकिन 1930 तक ट्रैक्टरों में स्टील के पहिए होते थे, जिसके बाद साल दर साल इसका अपडेशन किया गया और आखिर में रबर के पहिए लगाए गए। इसके बाद जॉन डियर ने ट्रैक्टर की सीरीज निकालनी शुरू की और दुनिया के सामने अपना ट्रैक्टर मॉडल आर को पेश किया गया, जिसकी क्षमता 40 हॉर्स पावर से भी ज्यादा थी। साथ ही साथ ये पहला डीजल ट्रैक्टर था। इसी के साथ जॉन डियर किसानों के लिए ट्रैक्टर बनाने वाली पहली कंपनी बन गई। आप जानते हैं भारत में पहला ट्रैक्टर कब और कैसे आया। दुनिया भर में भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन ट्रैक्टर को भारत में इंट्रोड्यूस कराने के बारे में कहा जाता है कि भारत में ट्रैक्टर की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद जो हरित क्रांति हुई थी उसी का नतीजा था, जिसके बाद भारत में ट्रैक्टर का इस्तेमाल काफी तेजी से हुआ था। भारत ने ट्रैक्टरों का प्रोडक्शन 1950 और 1960 के दशक में शुरू किया था। अगर हम बात करें भारत की, तो हरित क्रांति के बाद यहाँ कई विदेशी ट्रैक्टर कंपनीज आई और ट्रैक्टर का प्रोडक्शन किया। आजादी से पहले भारत में ट्रैक्टर रूस से मंगाए जाते थे। उस समय भारत ट्रैक्टरों का निर्माण नहीं करता था, और इसी वजह से उस समय में ट्रैक्टरों की कीमत काफी ज्यादा होती थी, जिस वजह से आम किसान ट्रैक्टर खरीदने की सोच भी नहीं सकता था, और सिर्फ जमींदारों और बड़े पैमाने पर किसानी करने वाले ही ट्रैक्टर अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन आज के समय में भारत की खुद कई बड़ी कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर का प्रोडक्शन करती हैं।
आज के समय में भारत ने ट्रैक्टर उत्पादन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर एक्सपोर्टर देश बन चुका है। भारत छोटे से लेकर बड़ी और मल्टीपर्पज ट्रैक्टर बनाता है और अगर बात ट्रैक्टर की प्राइसेस की करें तो भारत में ट्रैक्टर की कीमत 2.5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की है। आज के समय में भारत में कई कंपनियां ट्रैक्टरों का निर्माण करती हैं। इन सब कंपनियों की अपनी अपनी एक अलग पहचान और खास प्रॉपर्टीज होती हैं। भारतीय ट्रैक्टर कंपनी आज देश ही नहीं विदेश में भी अपने ट्रैक्टर्स को आयात करती है और भारत के ट्रैक्टर काफी रिलायबल भी माने जाते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं ट्रैक्टर की बनावट के बारे में। सभी ट्रैक्टर्स की बनावट में 3 भाग होते हैं, पहला इंजन और उसकी एक्सेसरीज, दूसरा पावर ट्रांसमिटिंग सिस्टम और तीसरा चेसिस। ट्रैक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक चक्र ट्रैक्टर और दूसरा ट्रैक ट्रैक्टर। चक्र ट्रैक्टर का इस्तेमाल कृषि संबंधी कामों में किया जाता है। ये ट्रैक्टर 3 या 4 पहिए वाला होता है। ट्रैक ट्रैक्टर भारी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बांध और औद्योगिक का काम शामिल है। कृषि क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वक्त के साथ साथ ट्रैक्टर की बनावट और उससे अटैच होने वाली मशीनों के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आज के समय में मार्केट में ट्रैक्टर में लगने वाली कौन कौन सी मशीनें यानी ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। आज की मॉडर्न फार्मिंग के लिए किसान नई टेक्निकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो फार्मर्स अपने प्रोडक्शन में ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ट्रैक्टर के डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्हें कम कॉस्ट में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। साथ ही साथ इन मशीनों की मदद से फार्मर्स मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पा रहे हैं। आज बाजार में ऐसी बहुत सी मशीनें आ गई हैं जिनकी मदद से 90% खेती का काम आसानी से किया जा सकता है, जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, पंपिंग मशीन, ट्रॉली और बाकी मशीनें। कुछ मशीनें आमतौर पर हमें देखने को मिल जाती है, जैसे की हल। इसका इस्तेमाल खेतों में बीज बोने से पहले मिट्टी को पलटने यानी खेतों को जोतने के लिए किया जाता है। इसमें कई तरह के अलग अलग ब्लेड दिए जाते हैं जो खेत की मिट्टी की जुताई अच्छे से करता है। साथ ही साथ ये इतने पावरफुल होते हैं कि इसे कठोर धरती और सूखी मिट्टी में भी आसानी से चलाया जा सकता है। भारत में हल की कीमत 25,000 से 2.5 लाख रुपए तक है। ट्रॉली तो हम सब ने रास्ते में देखी होगी, कभी गन्ने से भरी ट्रॉली तो कभी मक्के और गेहूं के बोरों से लदी ट्रॉली। ये ट्रैक्टर के लिए एक व्हीकल की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल ट्रैक्टर की मदद से किसान अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए करता है। अगर हम बात करें इसकी कीमत की तो ट्रॉली की कीमत 90,000 से 2 लाख रुपए तक की होती है। अब ये भी जान लेते हैं कि भारत की 10 बेहतरीन ट्रैक्टर कंपनियां कौन सी है। महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी, टाफे ट्रैक्टर्स, सोनालिका ट्रैक्टर्स, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी, जॉन डियर ट्रैक्टर्स, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स, कुबोटा ट्रैक्टर्स, इंडो फार्म, प्रीत ट्रैक्टर, कैप्टन ट्रैक्टर्स। इनमें से ज्यादातर कंपनियों का नाम आपने जरूर सुना होगा और इनकी एडवर्टीजमेंट तो जरूर देखी होगी। दोस्तों, आज के समय में लगभग 90% खेती का काम ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। ट्रैक्टर को अगर किसानों के लिए वरदान कहें तो गलत नहीं होगा। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।